मंत्री जी, जिस तरह से कैंपेन चल रहा है चुनाव, पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है आप समाजवादी पार्टी? बस पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। जिस तरह से बदायूं में आप कैंपेन कर रहे थे, कल अचानक सूचना मिली कि कार्यकर्ताओं ने आदित्य के लिए मोहर लगाई है, क्यों ऐसा हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे थे और आदित्य पे भरोसा जता रहे थे? अरे लोग पढ़े लिखे लोग जी, वहां जनता ने जहां जहां गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग की करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। तो आप टिकट की क्या संभावना है, कब तक मिल जाएगी, कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित्य को टिकट मिलती तो कितनी जीत, कितने मतों से? ये बताओ, अभी जो समाजवादी पार्टी की सूची जारी हुई है उसमें किसका नाम, किसका नाम आपका है? बधाइयों से, तो आपका ही है। हाँ, तो फिर तो देखिए, मांग करी है, मांग तो कोई कर सकता है जी, तो सूची तो राष्ट्रीय नेतृत्व जारी करेगा, तो जारी करी है, उसमें हमारा नाम है। और ये देखिए, कुछ रणनीति के हिस्से होते हैं, अब वो रणनीति तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी, रणनीति को रणनीति रहने दो। अच्छा, जैसे जैसे पीडीए के लिए चर्चा चल रही थी, समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं आपका ये घटक दल पल्लवी पटेल अब पीडीएम लेकर के आई है। देखिए, ये सब चीजें हैं, लेकिन ये नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो अभी जनता में तो ये है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की मदद होगी, तो ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सपा शासन में अपराधी पहले कहीं पे भी बम विस्फोट कर देते थे, लेकिन अब हर जगह हर हर और बम बम के जयकारे लहरा रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव का रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा। देखिए, पुलिस के संरक्षण में जो हत्याएं हो रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, तिहाड़ जेल, मुख्यमंत्री रहते हुए क्या लग रहा है आपको? देखिए, विपक्ष के लोगों का सब जगह भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है, झूठे मुकदमे लिखा लिखा करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, तो ये सब जनता समझ रही है, जनता देख रही है। और जब जब ऐसे घटनाएं हुई है, जनता ने ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंका है। भाजपा प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया कह रहे हैं कि सपा में कई फाड़ हो गए हैं, ज्यादातर लोग उनके साथ आ रहे हैं, 70 प्रधान जा चुके हैं, 30 प्रधान लाइन पे हैं और कई बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जब रिजल्ट आएगा, यहाँ इटावा में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चलेगा। अगर आदित्य यादव वो बदायूं से लड़ते हैं तो फिर आप कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ेंगे भी, लड़ाएंगे भी, इसकी चिंता मत करें। लेकिन कन्नौज से कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ कल, अखिलेश जी ने किया है और बड़ा संदेश दिया है, कन्नौज से कौन प्रत्याशी उतरने वाला है, तेज प्रताप का नाम चर्चा पे था। देखिए, वहां से भी देखिए समाजवादी पार्टी जीतेगी, वो भी सीट हमेशा नेताजी से लेकर के अखिलेश से लेकर के समाजवादी पार्टी की है और रहेगी।